समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ कार्यक्रम में जाने की परमिशन न मिलने के बाद लखनऊ प्रशासन ने उन्हें अमौसी एयरपोर्ट पर रोक लिया। इसकी खबर फैलते ही सूबे के सभी जनपदों में सपाइयों का प्रदर्शन शुरू हो गया। इस दौरान सपा बसपा ने संयुक्त रूप से जुलूस निकालकर सीएम योगी का पुतला फूंका। इस दौरान एक सिपाही आग की चपेट में आ गया, उसे किसी तरह से बचा लिया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को अमौसी एयरपोर्ट पर रोके जाने की खबर के बाद सफाई कुनबे में हाहाकार मच गया। आजमगढ़ जिले में सपा और बसपा ने संयुक्त रूप से अपना प्रदर्शन किया। आजमगढ़ जिले में पूर्व कैबिनेट मंत्री व सपा के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव के नेतृत्व में सपा व बसपा के लोगों ने एक जुलूस निकाला और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला भी फूंका। इस दौरान वहां मौजूद एक सिपाही आग की चपेट में आ गया, लोगों ने किसी तरह आग बुझाई। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन के दौरान यह सिपाही आग की चपेट में आया है। हालांकि इस पुतला दहन के बारे में राष्ट्रीय महासचिव का कहना था कि मुख्यमंत्री के इशारे पर अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि यह 1976 से भी बड़ी भयानक और इमरजेंसी दिखाई पड़ती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव पूर्व में निर्धारित और प्रशासन द्वारा अनुमति प्राप्त प्रयागराज में छात्र संघ के नेताओं के वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए और प्रयागराज जाने के लिए अमौसी एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। अमौसी एयरपोर्ट से श्री मुख्यमंत्री जी के इशारे पर प्रशासन ने उनको प्रयागराज के कार्यक्रम में भाग लेने से रोक दिया। संभवतः 1976 की इमरजेंसी से बड़ी इमरजेंसी हमारे जैसे लोगों को दिखाई पड़ी है। जो हम लोगों ने उसको देखा था, उसको झेला था, उस इमरजेंसी से आज उससे भी भयानक इमरजेंसी और अलोकतांत्रिक कृत्य आज उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह का कहना था कि प्रदर्शन करने वालों ने कानून की मर्यादा का पालन नहीं किया और एक सिपाही झुलसते झुलसते बच गया। उस मामले को पुलिस ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है और इसके लिए वह निश्चित तौर पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो इस घटना में दोषी पाए जाते हैं। इलाहाबाद लखनऊ की घटना को लेकर कुछ समाजवादी पार्टी के 20-25 लोग बाहर चौराहे पे निकले थे। संज्ञान में आया है कि लोगों ने कुछ कार्रवाइयां की हैं। अभी हम लोग चुके वाली पुलिस पर वहाँ मौजूद चौराहे पर उनसे बात करके जो भी से कार्रवाई से लोगों ने बता दें कि हमारे कुछ और के बाद इसमें हम लोग कार्रवाई करके आवश्यक कार्रवाई करते हैं।